स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को। मैंने ये विंटर कैरेट्स ली हैं, 6-7 हैं ये, और वेट में मेजर करें तो 500 ग्राम्स हैं। इन्हें हम पील करके अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पीसेस हैं वो बिल्कुल इक्वल निकल रहे हैं। इसी तरह से हम बाकी सारी कैरेट्स को भी कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने सारी कैरेट्स को कट कर लिया है। अब चलते हैं पैन की तरफ। मैंने लिया है ये 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल। इसे हम फुल फ्लेम पर बहुत तेज गरम कर लेंगे टिल स्मोकी, यानी कि जब तक इसमें से धुआं ना आने लग जाए। आप देख सकते हैं कि जो तेल है उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। इस स्टेज पर हम अपनी फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अगर हम इसी समय अपने मसाले डालेंगे तो हमारे मसाले जल जाएंगे, तो अब थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं इसे। आप देख सकते हैं जो हमारा ऑयल है वो थोड़ा ठंडा हो गया है। इसमें अब जाएगा मस्टर्ड सीड्स का पाउडर। मैंने मस्टर्ड को क्रश कर लिया था मिक्सी में, बहुत इजी है इसे, और हमें इसे फाइन क्रश नहीं करना, इसे हम थोड़ा सा ददरा रखेंगे। साथ में इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मिक्स कर लेते हैं एक बार इसे। साथ में इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर। सौंफ को भी मैंने दरदरा पीस लिया था मिक्सी में। इसे हम मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को अब हम अपनी लो कर लेते हैं। हमारे मसाले तेल में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं डालूंगी इसमें हमारी कटी हुई गाजर। सौते कर लेंगे इसे फॉर 1 मिनट। हमारे सारे मसाले कैरेट में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे, ओनली फॉर 1 मिनट। तो लो फ्लेम पर बिल्कुल इसे चलाते रहेंगे हल्का हल्का सा, और इसे कुक कर लेते हैं। 1 मिनट हो गया है, हमारी कैरेट कुक हो गई है। हम एक बार सॉल्ट को चेक कर लेते हैं। मुझे हल्का सा नमक कम लग रहा है, तो मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट और डाल लेती हूँ। अब हम अपनी फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लिया है मैंने इसे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, ताकि वो जो कैरेट है वो स्टीम में थोड़ी सी और कुक हो जाए और हम इसे इंस्टेंटली खा सके। तो अब इसे 3 से 4 मिनट रेस्ट करने देते हैं। 4 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं हमारे अचार को। आप देख सकते हैं हमारा अचार ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसे इस टाइम भी खा सकते हैं, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसका स्वाद और बढ़ेगा। आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, आपको ठंडे अचार को किसी जार वगैरह में फिल करना है। मैं इस तरह के जार में इसे फिल कर दूंगी, और मेरा जार अंदर से बिल्कुल ड्राई है, और चम्मच जिससे आप इसमें इसे डालेंगे वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं फॉर 1 वीक तक, और मजा ले सकते हैं 1 वीक तक अपने गाजर के अचार का। हमारा अचार अच्छे से ठंडा हो गया है, तो मैंने उसे जार में फिल कर लिया है। तो अब आप इसे रोटी, चावल या फिर भटूरों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।